हेलो गाइस, दिस इज सुनकर प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 मैथ्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू। एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन बाई टू। ठीक है, इसको प्रूव करना है, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो आप क्या करो कि x बराबर यानी कि साइन इनवर्स x बराबर क्या मान के चलो, थीटा। साइन इनवर्स x बराबर थीटा यानी x बराबर क्या मिल जाएगा, थीटा। तो x की जगह पे जब साइन थीटा पुट करोगे, x की जगह पे साइन थीटा, तो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। तो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा यानी कि किसका वैल्यू है, ये वैल्यू आपका साइन थ्री थीटा का। किसका वैल्यू है, साइन थ्री थीटा। तो यहाँ से साइन, क्योंकि आप जानते हो साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है, जबकि एक्स आपका बिलोंग कर रहा हो पाई बाई टू से, माइनस पाई टू से पाई बाई टू। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, थ्री थीटा। और थीटा का वैल्यू आपने क्या लिखी है, देखिए साइन इनवर्स है, तो आपका ये प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखिए। क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ कि थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स फोर कॉस क्यू माइनस थ्री फोर फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स एक्स बिलोंग्स टू वन बाई टू टू वन। तो इसको प्रूफ करना है, तो आप क्या करो, वही जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे कि एक्स बराबर कॉस थीटा लेट कर लो। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपका थीटा लेट किया, तो एक्स बराबर कॉस थीटा है। तो एक्स की जगह पर जब कॉस थीटा पुट करोगे तो देखिए कैसा प्रॉब्लम नज़र आएगा आपको। ये प्रॉब्लम बन जाएगा फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस थ्री थीटा। तो कॉस इनवर्स और कॉस एक्स का वैल्यू एक्स होता है जब एक्स आपका बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, जीरो से पाई जब बिलोंग करता है एक्स, तो उस केस में तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या आ गया, थ्री थीटा। और थीटा बराबर क्या था, कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि थ्री कॉस इनवर्स एक्स प्रूफ हो गया एलएचएस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया स्टूडेंट्स की टेन इनवर्स टू बाई इलेवन प्लस प्रूव करना है, टेन इनवर्स टू बाई इलेवन प्लस टेन इनवर्स सेवन बाई ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई टू। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक आइडेंटिटी यानी एक इक्वेशन का फार्मूला यूज करेंगे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन अपॉन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, वन माइनस एक्स वाई, इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखिए ये एक्स की भूमिका निभाएगा और ये वाई की भूमिका निभाएगा। तो एक बार दोनों को क्या कर दिए ऐड, फिर वन माइनस दोनों को क्या करिए, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करने के बाद जब इसको सॉल्व किया गया है ना, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स वन बाई टू, और ये आरएचएस के बराबर हो गया जैसा कि हमको प्रूव करना था। ठीक है, सेकेंड फोर्थ प्रॉब्लम है बच्चों कि टू टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन बराबर टेन इनवर्स थर्टी वन अपॉन सेवनटीन, ये क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला आप यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है टेन इनवर्स, है ना, क्या फार्मूला होता है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर एक्स की भूमिका कौन निभा रहा है, यहाँ पर एक्स की भूमिका निभा रहा है वन बाई टू, तो टू मल्टीप्लाई वन बाई टू और वन अपॉन वन माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा चार बटे तीन। अब यहाँ पर ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो चार बटे तीन प्लस एक बटे सात और वन माइनस चार बटे तीन मल्टीप्लाई वन बटे सात, इसको सॉल्व किया जाएगा तो 31/17 आ गया, और 31/17 ही हमको क्या करना था, प्रूफ। ठीक है, चलिए प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव है स्टूडेंट्स कि राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। तो 10 है तो आप क्या करो, 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, 10 थीटा आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए लेट कर लेते हैं। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह पे आप एक्स की जगह पे 10 थीटा पुट कर दो, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा रूट से निकल के सेक थीटा बन जाएगा, तो सेक थीटा माइनस वन। इसको आप क्या करो, साइन कॉस में चेंज करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, है ना, 2 sin² θ/2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। तो साइन से साइन कटा, 2 से 2 कटा, तो आपके पास साइन बाई कॉस आ गया, यानी कि टेन थीटा बाई टू। तो 10 से 10 कट गया, यानी कि आपके पास आ गया थीटा बाई टू, और थीटा का वैल्यू क्या था आपके पास, टेन इनवर्स एक्स।
यानी कि आपके पास कुल मिला करके 1/2 टेन इनवर्स एक्स मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ स्टूडेंट्स कि राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। टेन इनवर्स 1/ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, मॉड एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ग्रेटर देन 1। तो एक्स इजकल टू कोसेक थीटा पुट करो, यानी कि एक्स इजकल टू जब कोसेक थीटा आ जाएगा यहाँ पर, तो थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। तो आप जानते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या, कोट थीटा। तो 1/ कोट थीटा मतलब टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा, और थीटा का मतलब क्या था, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, और कोसेक इनवर्स एक्स को अगर सेक में लिखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, क्योंकि कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक एक्स इजक्ल टू पाई बाई 2 होता है। तो कोसेक इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस सेक एक्स, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास टेन इनवर्स है ना, ब्रेकेट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला लगाएंगे, और फिर हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स के लिए फार्मूला होता हो जाता है 2, देखिए लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स के लिए फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का जो फार्मूला है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर बन जाएगा, और टेन स्क्वायर मतलब हो जाएगा रूट से जब टेन स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 10। तो कुल मिलाकर के इसका वैल्यू आपको क्या मिल गया, एक्स बाई 2। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। एकदम सिंपल फॉर्म में लिखना है, एक्स की वैल्यू 0 से पाई है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है। आप क्या करो, कॉस को कॉमन निकाल के इसको कट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस है ना साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या बन जाएगा, 10। तो 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स जो है ये फार्मूला होता है आपका किसका, टेन एक्स का। ये जो फार्मूला है 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स, इसका वैल्यू हो जाता है 1। क्योंकि अगर हम इसको अगर इसी चीज़ को अगर हम ऐसा लिखें, देखिए थोड़ा समझा देते हैं जैसे आपको समझ में आ जाए, टेन इनवर्स एक्स। तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो टेन पाई बाई 4 है ना, टेन पाई बाई 4। और यहाँ लिख सकते हो आप क्या चीज़, यहाँ लिख सकते हो आप टेन एक्स। ठीक है, टेन एक्स ऐसे करके, और यहाँ लिखोगे 1 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन एक्स। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारे पास क्या आ जाएगा कि टेन इनवर्स 1 यानी माइनस टेन इनवर्स पाई बाई, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है ना, ये जो चीज़ है ना ये मिस्टेक है। इसका रिजल्टेंट कुल मिलाकर के क्या आएगा आपके पास, इसका रिजल्ट आएगा आपके पास है ना, ये यहाँ पर मिस्टेक है स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक है। इसका रिजल्ट आएगा आपके पास टेन इनवर्स है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन पाई बाई 4 है ना माइनस एक्स, ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसा जब कुछ रिजल्ट आएगा तो ये 10 से 10 कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, टेन इनवर्स एक्स का एंगल जो है एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो क्या करो, एक्स बराबर आप क्या लेट कर लो, एक्स बराबर लेट कर लो ए साइन थीटा, तब एक्स बराबर ए साइन थीटा लेट करोगे तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो एक्स की जगह पुट करो ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जैसे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो बन जाएगा आपके पास ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर रूट में से कॉस थीटा निकलेगा, तो ए से ए कट गया, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा मतलब थीटा, और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, ये हो गया आपके पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू, ए क्यू माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर है, ए जो है ग्रेटर देन 0 है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए बाई 3 लेस देन इक्वल टू ए बाई रूट 3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, x की जगह पे आप पुट कर देंगे a टेन थीटा। ठीक है, x की जगह पे आप पुट कर देंगे a टेन थीटा, तो x अपॉन a आ जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा का थीटा वैल्यू आ जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन a। तो जब आप पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह पे a टेन थीटा, तो ये बन जाएगा है ना a 3 a क्यू टेन थीटा माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा,
और यहाँ आ जाएगा ए क्यू माइनस थ्री ए क्यू टेन स्क्वायर थीटा। ए क्यू आप कॉमन निकाल के कट कर दीजिए तो थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, और ये थ्री टेन थ्री थीटा का फार्मूला होता है। तो थ्री टेन थीटा है, टेन थीटा को हमने क्या लिखा था, थीटा को हमने लिखा था टेन इनवर्स एक्स वाई ए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। टेन इनवर्स बिग ब्रैकेट टू कॉस स्मॉल ब्रैकेट टू साइन इनवर्स वन बाई टू, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन इनवर्स वन बाई टू को सॉल्व करना है। तो आप क्या करो, इसको एक्स लेट कर लो, तो साइन एक्स इजकल टू वन बाई टू यानी कि पाई बाय सिक्स। तो साइन इनवर्स वन बाई टू पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स जब पुट करोगे तो टू से टू टू कट जाएगा यानी पाई बाय थ्री हो जाएगा। तो कॉस पाई बाय थ्री का वैल्यू होता है वन बाई टू, तो वन बाई टू से वन बाई टू कट गया, बचा वन, और टेन टेन इनवर्स वन का वैल्यू होता है पाई बाय फोर। तो इसका आंसर आ गया पाई बाय फोर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, है ना, ये ब्रैकेट के अंदर है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का वैल्यू होता है पाई बाय टू, और कॉट पाई बाय टू का वैल्यू क्या हो जाता है जीरो। ये हो गया प्रूफ, ये फार्मूला से आप याद रखेंगे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजल टू पाई बाय टू होता है। क्वेश्चन नंबर 13, टेन पाई बाय टू है ना बिग ब्रैकेट साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स वन वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर बिग ब्रैकेट। तो क्या दिया हुआ है इसने, मॉड एक्स का वैल्यू जो है लेस देन वन है, वाई ग्रेटर देन जीरो है, जबकि एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है कैसा है, वन से छोटा। तो आप क्या करो, पहले एक्स इजक्ल टू टेन थीटा लिख लो, तो थीटा इजक्ल टू टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर लो, तो टू टेन थीटा अपॉन है ना वन प्लस टेन स्क्वायर का वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा साइन टू थीटा, यहाँ से टू थीटा यानी कि थीटा, तो यहाँ से कुल मिला करके साइन इनवर्स टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है आपको मिल गया टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। वाई बराबर क्या लेट करो, टेन फाई, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स वाई। तो आप वाई की जगह पुट कर दो, तो जब वाई की जगह पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर फाई वन प्लस टेन स्क्वायर फाई, तो वन माइनस टेन स्क्वायर फाई और वन प्लस टेन स्क्वायर फाई बन जाएगा कॉस टू फाई। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको टू फाई, फाई की जगह आप क्या पुट करोगे, आप टू टेन इनवर्स टू फाइव की जगह पुट करोगे टेन इनवर्स बाई। अब इनकी वैल्यू को पुट कर दो, तो टू आप क्या करो यहाँ से कॉमन निकाल लो, जब टू कॉमन निकालोगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई मिल जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन अपॉन वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो टेन से टेन कंपेयर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा एक्स प्लस वाई और वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि साइन है ना स्मॉल ब्रैकेट साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन दिया हुआ है, तो बोला एक्स का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन है, तो यहाँ पर ये इस पूरे को ए मानो इस पूरे को बी मानो, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो साइन ए इसके साथ आ जाएगा, फिर कॉस आ जाएगा आपके पास इसके साथ, फिर साइन फिर कॉस आएगा आपका साइन के साथ, फिर साइन आएगा आपका इसके साथ। तो देखिए यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई किया गया है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा एक बटे पाँच, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा एक्स, इस तो सॉल्व होगा नहीं इसलिए इसी तरह रह जाएगा, ए भी सॉल्व नहीं होगा इसी तरह रह जाएगा। तो साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव को आप सॉल्व कर लो, तो साइन इनवर्स वन पॉइंट फाइव को क्या लिख लिया वाई, यानी साइन वाई इक्वल टू साइन वाई इक्वल टू जो है वन पॉइंट फाइव आ गया। तो कॉस वाई का वैल्यू निकाला है, तो कॉस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो साइन स्क्वायर वाई यानी कि साइन वाई का वैल्यू वन पॉइंट फाइव है, तो वन पॉइंट फाइव रखें तो एक बटे पच्चीस, पच्चीस ऊपर जाएगा तो पच्चीस में चौबीस, तो चौबीस बटे पाँच यानी कि टू रूट सिक्स, ठीक है। तो वाई का वैल्यू कितनी आ जाएगा, कॉस इनवर्स टू रूट सिक्स अपॉन वाई, और वाई ही किसको लेट किए थे हम लोग, साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव को, यानी कि साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव की जगह पे कॉस इनवर्स टू रूट सिक्स अपॉन फाइव पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस दूसरा जो था कॉस एक्स उसको जेड मानो, तो यानी कि कॉस एक्स कॉस जेड इजक्वल टू एक्स आ गया, तो साइन जेड इजक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर वन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन जेड इजक्वल टू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर आया,
तो जेड का वैल्यूज क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स रूट ब्रेकेट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, जो हमारा मेन फार्मूला था, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टू रूट, है ना, टू रूट सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव, और यहाँ से मिल जाएगा आपको मल्टीप्लाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इजक्ल टू फाइव इजक्ल टू वन। क्या करो, एक्स प्लस फाइव को आप उधर ले जाओ, ठीक है, एक्स प्लस फाइव को जब आप उधर ले जाओगे फाइव एलसीएम लेकर के, ये एलसीएम ले लो तो पाँच उधर चला गया, और एक्स भी उधर ले जाओ तो फाइव माइनस एक्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग करने के बाद देखिए आपको कैसा नज़र आता है, ये स्क्वायरिंग करने के बाद कुछ ऐसा नज़र आएगा, है ना, चार मल्टीप्लाई छः मल्टीप्लाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, पाँच पाँच माइनस एक्स था ना, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पाँच का स्क्वायर पच्चीस, एक्स का एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पाँच दूनी दस माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चौबीस और चौबीस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये फाइव एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइव एक्स माइनस वन इजक्ल टू जीरो एंड एक्स इजक्ल टू वन अपॉन फाइव, तो एक्स की वैल्यू आ गया आपके पास वन अपॉन फाइव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन डिवाइडेड एक्स प्लस टू, ये बराबर में दिया हुआ है ना, बराबर में इसके दिया हुआ है पाई बटे फोर, ये यहाँ काट करके आप लिख लीजिए पाई बटे फोर। तो बोल रहा है एक्स की वैल्यू क्या आ गई, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला जो फार्मूला है, उस फार्मूला को आपको क्या करना है, ये यूज करना, ये पूरा हो गया आपके पास एक्स, ये पूरा हो गया वाई। तो जब इसको सॉल्व कर लिया गया स्टूडेंट्स, है ना, सॉल्व तो आप कर लेंगे, तो जब इसको सॉल्व कर लिया गया तो आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसा दिखा, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री। टेन से दोनों तरफ क्या करो मल्टीप्लाई, जब टेन से मल्टीप्लाई किया गया तो टेन पाई बाई फोर बन गया ये, तो टेन पाई बाई फोर का वैल्यू बन, तो टेन टेन इनवर्स यानी कि टेन टेन इनवर्स एक्स इजक्ल टू एक्स होता है, तो एक्स आपका फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन, है ना, थ्री था, तो माइनस थ्री था, तो ये अच्छा माइनस थ्री था ना, तो ये थ्री कहाँ से आ गया, कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाता है, तो अच्छा ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस थ्री था तो माइनस थ्री होना चाहिए था, ये माइनस थ्री, ठीक है, तो माइनस थ्री जाकर प्लस थ्री हो जाता है, तो आपके पास एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट टू, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया है, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो मतलब इसी का नेक्स्ट वीडियो होगा, क्वेश्चन नंबर 16 से आगे की तरफ यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।